हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क से ही रिलेटेड क्वेश्चन। इससे पहले आप अभी तक ने वीडियो इसमें 7 पार्ट में डाल दिया गया है, ठीक है। 7 पार्ट तक वीडियो डाल दिया गया है, ठीक है। देखिए उसी से रिलेटेड 7 पार्ट का ही क्वेश्चन है, ठीक है, जो टेस्ट के लिए हम दिए थे कि जो भी जिसका आंसर आएगा कॉमेंट बॉक्स में आप अपना कॉमेंट करिएगा, ठीक है। सबसे पहले इसी पे हम लोग डिस्कस कर देते हैं, बहुत ही आसानी से बताया जा रहा है आपको। चलिए देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन था, दिया गया ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 12 दिन तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना आरंभ किया, किंतु काम समाप्ति के 5 दिन पूर्व यानी पहले एक काम छोड़कर चला गया। ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी काम छोड़कर चला गया, काम कितने दिन में पूरा हुआ, ठीक है। यहां से बनाते हैं हम, देखिए कितना ए कितना दिन में करता है 10, बी कितना करता है 12 और सी करता है 15। तीनों के हम लोग काम के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, 7 चलाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 6 5 4, ठीक है। इस तरीका से आगे देखिए, आगे कहता है किंतु काम समाप्ति के 5 दिन पूर्व, ठीक है, एक काम छोड़कर चला जाता है, यानी कि छोड़कर पूर्व तक जाने नहीं देते हैं पहले, तो उसको क्या करते हैं वापस कर देते हैं। कौन छोड़ के जा रहा है तो ध्यान दीजिएगा ए, ठीक है, ए छोड़ के जा रहा है। टोटल काम 60 है, ठीक है, तो ए छोड़ के गया तो उसको बुला लेंगे, तो ए के कितना है 6, कितना काम करेगा, एक दिन में 6 काम करता है तो 5 दिन में कितना करेगा 6, तो 6 × 5 कितना हो जाएगा 30। आगे देखते फिर कहता है ए के छोड़ने के 2 दिन बाद, यही समझना है हमें, 2 दिन बाद यानी 5 दिन, यानी 2 दिन बाद तो कितना दिन, इसमें से 3 दिन करेगा इस काम समाप्ति होने के 2 दिन बाद। ए से कंपेरिजन किया है बी के, तो इसका कितना रह जाएगा 3 दिन, तब बी कितना था 3 × 5 कितना हो जाएगा, इसको भी शामिल कर लेंगे तो 15। समझ रहे हैं, पहले भी इससे पहले वाला वीडियो आप देखे होंगे, अगर पार्ट 7 देखे होंगे तो उससे इससे रिलेटेड क्वेश्चन वहां पर बता दिए हैं ताकि आपको बनाने में आसान हो, ठीक है। उसको भी क्या करेंगे, बी को भी शामिल कर देंगे। अब शामिल कर देंगे तो टोटल काम कितना चलाएगा, तो टोटल ऐड कीजिएगा तो 100 कितना चलाएगा 5, ठीक है। तब कहता है कि काम कितने दिन में पूरा होगा, तो अब तीनों मिल के काम करेगा, तो तीनों मिल के करेगा तो 6 × 5 = 11 × 4 कितना हो जाएगा 5, ठीक है, यानी 100 कितना कर दीजिएगा 5 बटा कितना हो जाएगा 15, 15 × 7 कितना हो जाएगा 75, यानी कि 7 बार। आंसर क्या आएगा इसका, डी नंबर, आसानी से हम लोग बना लिए। चलिए इसी से रिलेटेड अलग हम लोग एक टाइप और अब देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, पार्ट 8 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लिया गया है, उसी से एक टाइप चेंज है, ठीक है, लेकिन बनाने का तरीका वही है। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन एवं 30 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकता है, अगर दोनों मिलकर काम करे तो कितना दिन बाद एक काम छोड़ दे, कितना दिन बाद एक काम छोड़ने के लिए कह रहा है छोड़ दे कि पूरा काम 18 दिन में हो जाएगा। 18 काम कितना दिन में हो जाना चाहिए, 18 दिन। बारीकी से समझना है, आराम से समझना है और बनाना है। ए कितना दिन करता है 20 दिन और बी कितना दिन करता है तो 30 दिन, इस तरह से। अब ए नहीं हम लोग जाना है, टोटल काम कितना है, तो टोटल काम जानने के लिए हम लोग 20 और 30 का एलसीएम लेंगे, तो 20 और 30 के एलसीएम लिए तो 60, ठीक है। ए एक दिन में कितना काम करेगा तो 3 काम करेगा, और बी एक दिन में कितना काम करेगा तो 2 काम करेगा, ठीक है। अब समझना है, पहले यहां से दिमाग थोड़ा लगाइएगा, सबसे पहले इस बात सोचना है काम कौन छोड़ रहा है, ए या बी। तो देखिए काम पूछा है, अगर दोनों मिलकर काम करे तो कितना दिन बाद ए काम छोड़ दे, ए के छोड़ने के लिए कह रहा है, ठीक है, छोड़ दे कि पूरा काम 18 दिन में समाप्त हो जाए, यानी ए काम को छोड़ने के लिए, यानी कि शुरू से अंत तक जो इसमें काम करेगा तो कौन करता रहेगा, बी। बी तो 18 दिन तक काम करेगा लेकिन ए नहीं, ए क्या करता है बीच में काम छोड़ता है, उसको निकाला था। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, सोचना है कि ए 18 दिन में कितना काम किया, ठीक है, टोटल काम कितना है 60, टोटल वर्क 60 है, तो बी शुरू से अंत तक काम कर रहा है तो बी कितना 18 दिन में काम करेगा, तो टोटल काम कितना है 60, ठीक है। तो बी एक दिन में कितना काम करता है 2, 18 दिन में कितना करेगा
36 काम, ठीक है। अब 36 काम करेगा, तो 36 काम कर दिया, तो इसमें से तो अभी ए नहीं किया है काम, सिर्फ हम किसका निकाले, बी का, कि बी उस काम को इतना 36 दिन में कर, 36 काम ही करेगा। और 36 तो इसमें से आप माइनस कर दीजिए, तो माइनस कीजिएगा तो कितना चलेगा, 24। यानी 24 होना कि कौन किया है काम, 24 किया है, काम किया है ए, ठीक है। ए तो कितना दिन में, 24 कितना दिन तक काम करेगा, एक दिन में 3 काम करता है, तो 24 दिन, 24 काम को कितना दिन में, तो इससे डिवाइड कर दीजिए तो कितना चलाएगा, 8 दिन। यानी 8 दिन दो कंडीशन है कि ए और बी कितना दिन काम किया, 8 दिन। या पूछे आपके कि बी कितना दिन के बाद काम छोड़ा, तो कितना दिन के बाद काम छोड़ेगा, 8 दिन, क्योंकि काम कितना दिन में समाप्त तो होता है, 18 दिन, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बना लेते हैं हम लोग, ताकि और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इस क्वेश्चन को देखिए, सेम जैसे पहला फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बनाए, उसी टाइप का, सेम उसी तरीका, ठीक है। चलिए एक बार क्वेश्चन हम लोग, ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया और पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा अगर ए और बी क्रमशः 10 और 15 दिन में करते हैं, ठीक है। उसी तरीका से बनाना है, कितना कितना दिन में कर लेते हैं, 10 दिन और 15 दिन में कर लेते हैं। ए कितना दिन में करता है काम, 10 दिन में, और बी काम कितना दिन में करता है, 15 दिन में। टोटल कितना काम है जान नहीं रहे, एलसीएम लेंगे, टोटल काम कितना चलाएगा, 30। एक दिन में कितना काम करेगा, तो 3, और बी एक दिन में कितना काम करेगा, 2। छोड़ रहा है कौन, इस बार भी ए ही छोड़ रहा है। तो ए सबसे पहले इसमें दिमाग यही लगाना है कि ए कितना दिन बाद काम, कितना दिन में काम पूरा हो जाता है, तो 9 दिन में। तो सबसे जो शुरू से लास्ट, स्टार्टिंग से लास्ट तक जो काम करेगा, सबसे पहले उसको निकालना है। तो शुरू से टोटल काम कितना है, 30। तो शुरू से अंत तक ले कौन काम करते रहा, तो काम करते रहा बी। तो बी कितना काम, एक दिन में 2 काम, तो 9 दिन में कितना काम करेगा, 18 काम। इसमें से क्या करना है, 18 को माइनस कर दीजिए तो चलाएगा कितना, 12। और 12 काम कौन कर रहा है, दोनों साथ मिलके कौन कर रहा है, ए और बी। या पूछा है कितना दिन बाद छोड़ा, हो एक ही बात है, तो 12 में कितना से फिर कर दीजिएगा, ये के लिए काम बच गए, तो 3 से, तो कितना दिन, 4। इस तरीका से आंसर क्या जाएगा, 4। समझ गए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टाइप का आप क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, अलग टाइप है, मजदूरी से रिलेटेड, लेकिन बनाने का तरीका उसी तरीका से। चलिए क्वेश्चन के द्वारा हम लोग समझते हैं। ए और बी किसी काम को क्रमशः 18 दिन एवं 24 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 1260 रुपया में काम समाप्त करने का ठीका लेता है, ठीक है, यानी टेंडर लेता है। तो काम समाप्ति के बाद ए को कितना मजदूरी प्राप्त होगा, ठीक है। जस्ट लाइक उसी तरीका से जैसे हम लोग बनाते थे, तो ए कितना दिन काम किया, 18, ठीक है, और बी कितना दिन काम किया है, 24। इस तरीका से लेना है, कितना काम किया तो दिया नहीं गया है, तो सबसे पहले काम ही ले लीजिए, तो टोटल काम हम लोग कीजिएगा तो कितना चलेगा, 72, ठीक है, यानी 72 चलेगा। समझना, आराम से बनाना है हम लोग, 72। अब इसका निकालिएगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3, और एक दिन में ही कितना काम करे, सॉरी, एक दिन में कितना काम करेगा, 4, और ये कितना करेगा, 3, ठीक है। इस तरीका से हम लोग के लेना है, जिसका कहे एक दिन में कितना, 4 काम करता है, और एक दिन में कितना काम करता है बी, तो 3 काम करता है। तो जिस रेशियो से काम करेगा उसी रेशियो से इसको पैसा मिलेगा, ठीक है। अब देखिए दोनों के इसमें दे दिया है, दोनों के दे दिया कि कुल मजदूरी कितना है, 1260, यानी कि 4 काम ही और 3 काम इसका, इसी से, इसी तरीका से उसको मिलेगा। तो इससे इसमें मतलब नहीं हम लोग के रखना, बस इसी से हम लोग को निकाल देना डायरेक्ट, जिसको कहेगा इसमें टोटल काम, हम लोग इससे इफिशियंसी क्षमता निकाले कि एक दिन में ही 4 काम करेगा, बी करेगा एक दिन में कितना काम करेगा, 3, टोटल काम समाप्त तो हो जाए, ठीक है। अब समझिएगा, अब देखिए था किसका पूछा, ए को कितना मजदूरी मिलेगा, तो ए को मजदूरी जब ज्ञात करना होगा तो कितना, 1260, ठीक है, और 1260 और टोटल ए है तो इसको ऊपर रख दीजिएगा, 4 दोनों के ऐड कर दीजिए, 4 और 3 कितना चलाएगा, 7, और 7 से इसको जब कैंसिल आउट कर दीजिएगा वही ए के मजदूरी चलेगा, ठीक है। किसका, ए क्या पूछा है,
देखिए तो इससे कैंसिल आउट कर दीजिए तो कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, सात एक बार में, फिर कितना आठ सात छप्पन कितना हो गया सात एक सौ अस्सी, और इसमें इंटू कर दीजिएगा तो सात सौ कितना चलाएगा बीस। अगर इसी क्वेश्चन में अगर बी को पूछता कि बी के मजदूरी कितना मिलेगा, ठीक है, तो बी के मजदूरी जब निकालने के लिए कहता तब हम लोग कहाँ रख कितना ऊपर रखते, एक सौ कितना है बारह सौ कितना है सात, तीन ऊपर रखते इसको, इसको दोनों के चार और तीन कितना सात, फिर कैंसिल आउट कीजिएगा था कितना एक सौ अस्सी, इसका कितना चला था तो अठारह तीन चौवन पांच सौ कितना हो जाता अस्सी, अगर दोनों के ऐड कीजिएगा था कितना चलाएगा बारह सौ साठ। या इसको अलग तरीका से अगर बनाते हैं एक तरीका और जानते हैं तो इफिशियंसी का होता है टाइम के रिवर्स होता है, ठीक है, तो इस तरीका से इससे क्षमता के निकाल के भी बना सकते हैं, ठीक है, क्षमता से कैसे कि ए ले ली और बी ले लिए, सेकेंड तरीका भी आप जान जाइए, तो ए बटा कितना लिख सकते हैं हम लोग अठारह और बी बटा कितना लिख सकते हैं चौबीस, इसका दोनों के सेम इसी तरीका से आएगा, एलसीएम ले लेना है और दोनों में इंटू कर देना है, अगर रेशियो वाला अगर आप नहीं देखें तो रेशियो में आप पढ़िएगा तो वहां बता दिया गया है, ठीक है, रेशियो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन बनाना होगा तब प्लेलिस्ट से जाके रेशियो प्रोपोर्शन वाला वहां से देख करके इस तरीका से सीख सकते, तो इसका और इसका दोनों के क्या करते हैं हम लोग एलसीएम ही लेते हैं और दोनों में गुना कर देते हैं, इसमें भी बहत्तर से और इसमें भी बहत्तर से, तक गुना कीजिएगा तो कितना बार में कैंसिल हो जाएगा तो चार और ये कितना चलाएगा तीन, ठीक है, समझ रहे हैं, चार और तीन, और चार और तीन निकालना है बस, ए के कितना आया चार और बी के कितना आया तीन, सेम इसी पैटर्न से है, ठीक है, अब इसको पैटर्न से इसी को तो चार और कितना चलाया तीन तो निकालना होगा, तो फिर लिख दीजिए चार बटा कितना हो जाएगा सात आई बारह सौ कितना है सात, इसको कैंसिल कर दीजिए तो एक सौ अस्सी, इसको भी कीजिएगा तो कितना चलाएगा सात सौ, इस तरीका से, या देखिए इसको इस तरीका से हम लोग इतना ना लेके एक बार और समझ लीजिए, ये कितना लिखा हुआ है कितना है अठारह है और ये चौबीस है, इसको हम लोग छोटा भी कर सकते हैं, इसको कैंसिल नीचे नीचे होता कैंसिल करके भी आप ले सकते हैं, जिसे मान लेते हैं छह से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा तीन और यहाँ हो जाएगा चार, समझिएगा, तो कितना लिख सकते हैं तीन और एक बटा कितना जाएगा चार, दोनों की अगर एलसीएम लीजिएगा तो कितना चलेगा बारह, ठीक है, जब लंबा होगा तो इस तरीका से बनाना कुछ आसान होगा आपको, तो यहाँ कितना चलेगा चार और कितना चलेगा तीन, सेम इसी तरीका से यहाँ दोनों के कैंसिल आउट होने के लिए दोनों का है कॉमन था छह कॉमन था तो कॉमन करके इस तरीका से बनाइएगा, आपका कैलकुलेशन कुछ आसान होगा। चलिए इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन और हम लोग इसी टाइप से देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए सेम उसी टाइप से, ठीक है, क्वेश्चन के द्वारा ही समझते हैं, ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 18 दिन 24 दिन एवं 30 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकता है, इसमें कितना व्यक्ति है तीन को, ठीक है, तीनों मिलकर किसी काम को 1880 रुपया में समाप्त करने का ठीका लेता है यानी टेंडर लेता है, तो काम समाप्ति के बाद ए को कितना मजदूरी प्राप्त होगा, पहले हम सेकंड मेथड से जो बताए थे उस तरीका से हम डिस्कस पहले कर देते हैं। देखिए बोले थे कि इफिशियंसी जो होता है क्षमता जो होता है तो टाइम के क्या होता है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, यानी कि आपके पास ज्यादा क्षमता रहेगा तो टाइम क्या लगेगा कम लगेगा, ठीक है, इसी तरीका से इसी पैटर्न पर अगर हम लोग लिख लेते हैं ए बी सी, समझना है बारीकी से, तो एक बटा कितना लिख सकते हैं हम लोग अठारह, एक बटा कितना लिखिएगा चौबीस और एक बटा कितना लिखिएगा तीस, समझना है क्वेश्चन को बारीकी से, अब देखिए अठारह चौबीस तीस ले लीजिए, अब देखिए नीचे अगर कॉमन है तो यहां से हम लोग कॉमन भी कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, तो जब कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना छह से हो जाएगा तो ये कितना चलेगा यहाँ तीन चार पांच, इस तरीका से लिख सकते हैं, यानी इसको लिख देते हैं कितना चलेगा एक बटा तीन चार और कितना चलाया पांच, अब बोले थे इस सब के नीचे वाला के एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, तो जब एलसीएम लीजिएगा तो कितना चलाएगा एलसीएम ले लीजिए तीन चार पांच, तो एलसीएम चलाया साठ, ठीक है, एलसीएम कितना चलाएगा साठ, या कोई भी वैसा डिजिट जो सबसे डिवाइड हो जाए ये भी साठ के जगह पर कितना ले सकते हैं साठ ही होगा, तो इसको कितना चलाएगा यहाँ कीजिएगा तो कितना चलाएगा बीस, ये कितना चलाएगा पंद्रह, ठीक है, और ये कितना चलाएगा बारह, इस तरीका से ले, अब किसका हम लोग के निकालना किसका है सबसे पहले किसका निकालना है तो ए का निकालना है, तो ए ले लीजिए, तो ए को निकालना है तो जोड़ दीजिए ऐड कर दीजिए, तो ए बीस लिख लीजिए ऊपर और ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा पैंतीस, बीस और पंद्रह पैंतीस और बारह कितना चला है सैंतालीस,
इंटू कितना दे दिया है, इंटू दे दिया है 1880। ठीक है, इससे कैंसिल आउट आप कर दीजिए, कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना से हो जाएगा, 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 17 को 28। ठीक है, 16 दो 18 और 10 यानी कि 40। ठीक है, 40 इसमें कर दीजिएगा तो कितना चलेगा, 800। यानी हम लोग सब के अब निकाल सकते हैं कितना आएगा, 800। अब इसका अगर पूछता था डायरेक्ट हम लोग 40 से ही कर देते गुना था कितना चला था, 600। अगर इसको कर देते तो कितना चला था, 480 चला था सी का। इस तरीका से आसानी होगा, थोड़ा एलसीएम लेने में आपको चलेगा, और उस तरीका से भी जैसे आप पहले बनाए हैं उस तरीका से भी हम लोग बना सकते हैं, देख लीजिए उसको भी कैसे बनाएंगे। ये तो समझ गए होंगे, बारीकी से आसानी से क्वेश्चन समझ लेना है। बोले कि इस तरीका से ए ले लीजिए, बी हो जाएगा और सी हो जाएगा। ए कितना दिन में करता है, 18 दिन में, बी करता है 24 दिन में, और सी करता है 30 दिन में। अब तीनों के क्या करना है, एलसीएम आप ले लीजिए। जब तीनों के एलसीएम लीजिएगा तो कितना चलाएगा, देखिए यहाँ पर एलसीएम लेना थोड़ा टफ हो जाता है। ठीक है, इस तरीका से अगर एलसीएम लेना है टोटल वर्क जब निकालना होगा तो थोड़ा टफ चलेगा, तो लेकिन कितना चलाएगा, 360। ठीक है, 360 आएगा तो कितना, ए का कितना चलाएगा इसका, तो ए के कितना हो जाएगा, वही आएगा 20। ठीक है, इसका अगर निकालिएगा कितना हो जाएगा, तब 24 एक बार में, और फिर कितना चलाएगा, 24 5 20 15 चलाएगा। ठीक है, इस तरीका से अगर इसको हम लोग ले लेते हैं तो कितना चलाएगा, 0 12। समझ रहे हैं, अब उसी तरीका से जैसे हम लोग पहले किए थे उसी तरीका से निकाल सकते हैं। तो ए के पूछा है तो 20 है तो कर दीजिए, इससे हम लोग के इसमें मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, इस टोटल वर्क से बस हम लोग इफिशियंसी जो निकालते हैं इसके लिए ही करते हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा टोटल कितना था, 20 है, और ऐड कर दीजिएगा तो कितना चला है, 47, और फिर कितना है, 1200 कितना चला, कितना 1800 कितना है, इस तरीका से कैंसिल आउट कर दीजिएगा तो ये कितना चलाया था, 800 रुपया, यानी ए को कितना मिलेगा, 800। चलिए हम लोग आगे भी फिर क्वेश्चन और देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, थोड़ा अलग है, सबसे पहले पढ़ देते हैं। ए अकेला एक काम को 8 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए बी तथा सी तीनों मिलकर इस काम को 4 दिन में समाप्त कर ले, तीनों के यहां दिया है, थोड़ा क्वेश्चन अलग है, तथा इनकी कुल मजदूरी 4500 रुपया हो, तो इनमें से सी को कितना धन मिलेगा, यानी सी को कितना रुपया मिलेगा। इस क्वेश्चन को आपको खुद बनाना है। ठीक है, आपको बना करके कमेंट बॉक्स में आंसर अपना कमेंट करना है। ठीक है, और इससे रिलेटेड आज हम लोग पढ़े हैं पार्ट 8 है, इससे रिलेटेड 7 पार्ट का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा। जो लोग अगर नहीं पढ़े होंगे, अगर इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से सारा क्वेश्चन पहले जाके वहां से पार्ट 1 से लेके 7 तक ले देख लीजिए। ठीक है, ताकि आपको बनाने के लिए टाइम एंड वर्क से गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सारा क्वेश्चन आप बना लीजिए। चलिए, अब हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, और फिर वहां कुछ हम लोग नया सीखेंगे।